अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश वर्क। टुडे वी विल डिस्कस स्मॉल लेटर बी। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? बी। बी का साउंड क्या होता है? बी बा। व्हाट इज द साउंड ऑफ बी? बी बा। ये क्या राइट हुआ है? बी। ये कितनी लाइन्स में है? ऊपर वाली थ्री लाइन्स में। कितनी लाइन्स में लिखा हुआ है? ऊपर वाली थ्री लाइन्स में। जी, ये काम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ऊपर पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। बिलाल्स ब्रदर इज टेलिंग हिम सम सुना ऑफ गोइंग टू बेड। वी शुड आल्सो फॉलो दोस सुना। जी, बिलाल अपने भाई को बता रहा है कि हमें सोने से पहले कुछ सुनतों पर अमल करना चाहिए, और वो कह रहा है कि ये हमें कुछ सुनतें जो नीचे दी गई हैं वो ये हैं। वी मस्ट गो टू बेड आफ्टर ईशा नमाज। कह रहा है कि हमें बेड पर जाने से पहले ईशा की नमाज पढ़नी चाहिए। वी मस्ट ब्रश आर टीथ। तो हमें सोने से पहले अपने दांत साफ करने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, आप सब याद रखें कि सुबह उठकर भी अपने टीथ ब्रश करें और सोने से पहले भी, तो आप सेहतमंद रहेंगे, आप पे जरासीम नहीं आएंगे, आप बीमार नहीं होंगे। वी मस्ट स्लीप ऑन द राइट हैंड साइड। कि आप जब सोते हैं तो अपने राइट साइड सोएं। राइट का मतलब सीधे हाथ की तरफ सोना चाहिए। वी मस्ट रिसाइट द दुआ बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया। अगेन, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया। जी, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ट्राई टू फॉलो दीज फॉर सुनास टू मेक अल्लाह एंड आर बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैप्पी। लिखा है कि ये जो चार सुनतें बताई गई हैं, इस पे अमल करके हम अल्लाह और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रख सकते हैं। इज इट क्लियर? चले अब हम बी को राइट करते हैं। बी बी बा। जी, ऊपर वाली थ्री लाइंस में ये बी राइट करना है। स्ट्रेट लाइन लगानी है और इधर से इसको हाफ राउंड कर देना है। अब ये देखें, कुछ वर्ड मेरे डॉट के ऊपर नहीं लिखे जा रहे, तो मैं इसको रेज कर रही हूँ, तो अगेन लिख रही हूँ। जी, व्हाट इज दिस? बी। व्हाट इज द साउंड ऑफ बी? बीबा। यहाँ आप लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है, सब ने राइट किया हुआ है। जिसने राइट नहीं किया वो राइट कर ले। जी, अब ये देखें, स्ट्रेट लाइन लगाई, यहाँ से हाफ सर्कल बना दिया। बी बीबा, बी 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 बी। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप लोगों ने राइट करना है। अब हम इंग्लिश की रीडिंग बुक की तरफ आ जाते हैं। आज हम शुरू से पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट ए टू पी। What is this? A. Capital A, small a. What is the sound of A? A A. जी, आप पढ़ते हैं। A A apple, A A almonds, A A arrow, A A eggs, A A ant, A A apricot. Again, A A apple, A A almonds, A A arrow, A A eggs, A A ant, A A apricot. Is it clear? अब देखें, नीचे क्वेश्चन लिखा है which fruit has one seed? किन दोनों में से कौन सा फ्रूट जो है वो एक बीज रखता है? जी, एप्पल। एप्पल में तो दो बीज नज़र आ रहे हैं ना आपको, वन टू, तो इसमें तो इस पर टिक नहीं हम लगाएंगे। जी, एप्रिकॉट। ये देखें, एप्रिकॉट है। एप्रिकॉट में एक बीज होता है, ठीक है, तो इस पर हमने टिक लगा दिया। इज इट क्लियर? अब हम जनरल्स के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। विच इज़ द फर्स्ट होम ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ? होली काबा। वेयर इज होली काबा? इन मक्का सऊदी अरेबिया। हु इज़ आर फर्स्ट प्रॉफिट? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। Whose offsprings are all of us? Hazrat Adam alaihi salam and Hazrat Hawa alaihi salam. जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, Who is our last prophet? कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। Who is our last prophet? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम। अब कन्वर्सेशन क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। What is your name? My name is Arham. What is the name of your school? Dare Arkam. How old are you? I am 4 years old. In which class do you read? I read in nursery class. In which class do you read? I read in nursery class. In which country do you live? In Pakistan. क्या आप कौन से मुल्क में रहते हैं? In which country do you live? Country का मतलब होता है मुल्क। In which country do you live? In Pakistan.
अब कन्वर्सेशन सेंटेंसेस की तरफ आ जाएं. व्हाट विल यू से इफ यू वांट समवन टू हेल्प यू, प्लीज हेल्प मी. व्हाट विल यू से इफ यू वांट समवन टू स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट प्लीज. व्हाट विल यू से इफ यू वांट समवन टू स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट प्लीज. व्हाट विल यू से इफ यू वांट समवन टू स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी प्लीज. जी आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है. व्हाट विल यू से इफ यू वांट समवन टू स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी प्लीज. अगर आपने किसी से कहना हो कि टीवी का स्विच बंद कर दो तो आप ऐसे कहेंगे स्विच ऑफ द टीवी प्लीज. व्हाट विल यू से इफ यू वांट समवन टू स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी प्लीज. इज इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड. नाउ यू आर स्टार्ट योर वर्क.